पंडित जी को बुलाया है और पंडित जी ने जो डेट निकाली है वो बोला है कि शादी नहीं का मुहूर्त नहीं है, सो वी आर डूइंग एन एंगेजमेंट आफ्टर टू डेज. नहीं, आई थिंक मौली जो चाह रही है कि वो सारे अपने कॉर्ड्स हैं वो कट कर दे, और ताकि वो ईशान के साथ जो सिंसियरली जो उसकी ज़िंदगी में है उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करे. काफ़ी जल्दी जल्दी में ले रही है, बट आई थिंक बिकॉज शी इज़ फाइटिंग विद ओन सेल्फ एट दिस पॉइंट. कुणाल को देखकर उसके दिमाग में और मन में बहुत कुछ चल रहा है, और तो शी जस्ट वॉन्ट्स टू कट ऑफ दैट एंड स्टार्ट अगेन फ्रेश. वो तो दद्दा एंड राधिका जी, मतलब जो मम्मी हैं और जो मदर इन लॉ हैं, जो दद्दा हैं, वो तो हमेशा से ही मौली को सपोर्ट करती हैं, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. कि वी डिड अ सीन बिफोर जिसमें मौली भी उनसे बोलती है कि इफ़ यू वांट टू, अगर आप लोग अपने बेटे से रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दे हैव वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. जी मुझे भी आ रहे हैं. सो आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग एंड चेकिंग विद मी, बट आई थिंक ऐसा कुछ न्यूज़ तो है, बट वी हैव नॉट बीन टोल्ड बाय द प्रोडक्शन डायरेक्टली टिल नाउ, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट.